हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी खाना चाहते हैं ऐसा हेल्दी पिज़्ज़ा? मूंग दाल से पिज़्ज़ा बनाया है हमने, जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बिल्कुल पिज़्ज़े का टेस्ट ऐसा आता है जैसे आप बाज़ार में पिज़्ज़ा खाते हैं, बट ये हेल्दी बहुत है क्योंकि ये मूंग की दाल से बनाया हुआ है। तो चलिए आइए बनाते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं मूंग दाल से पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही हेल्दी होने वाला है और बहुत ही यमी भी बनने वाला है। तो सबसे पहले जो हमने लेना है उसके लिए एक कटोरी हमने मूंग दाल लेना है और थोड़ा सा हमने आधी कटोरी से भी कम जो है हमने चने की दाल लेनी है और इनको 4 से 5 घंटे के लिए हमने डिप करने के लिए रखना है। अब देखिए, 4 घंटे के बाद जो हमारी दाल है वो इस तरीके से भीग चुकी है। अब हमने जो है इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते समय हमने इसमें थोड़ा सा बस नमक ही डालना है और कुछ नहीं डालना हमने। अब ये देखिए, मिक्सी में हम जो है ये दाल ले लेंगे और हमने बहुत पतला सा जो है इसका बैटर बनाना है, मतलब अच्छे से पीसना है, गाढ़ा गाढ़ा नहीं पीसना है इसको। थोड़ा सा इसमें हमने नमक डालना है। हमारा बैटर जो है एकदम तैयार हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसको। अब हम इसको बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, अब ये हमारा बैटर जो है हमने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें जो है हमने थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाना है, मतलब बेकिंग सोडा आपने मिक्स करना है और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। अब ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक ही साइड में आपने इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए, अब बिल्कुल मिक्स होकर रेडी हो चुका है। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा ना तो आपने गाढ़ा रखना है ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है, इस तरीके से आपने रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी गैस के पास। अब हमने एक पैन में जो है थोड़ा सा तेल ले लेना है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और अच्छे से जो है इसको हिला लेना है एक बारी कि ये पूरे बर्तन में जो है पूरा फैल जाए। अब जो हमने बैटर बना के तैयार करा है, अब हमने जो है बैटर जो बनाया है वो हमने एक पैन में अपना डालना है। बहुत ज़्यादा ना तो आपने इसको मोटा रखना है ना ही बहुत ज़्यादा आपने पतला रखना है, मीडियम सा ही आपने इसको बनाना है। जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है सेम उसी तरीके से आपने उसको रखना है। देखिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। अब ये देखिए, हमारा बेस जो है हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इसको जो है एक प्लेट से हम कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको सिकने देंगे। अब ये देखिए, अब हमारा जो है बेस एक साइड से रेडी हो चुका है। अब हम इसको जो है पलटेंगे। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से रेड हो गया है। अब सबसे पहले जो है हमने पिज़्ज़ा सॉस डालनी है। अब अच्छे से जो है हमने उसको स्प्रेड कर देना है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा हमने डालनी है टमाटो सॉस, इसको भी अच्छे से हमने जो है फैला लेना है। अब हमने सबसे पहले जो है इस पर हरा वाला शिमला मिर्च ले लिया है, फिर हमने लिया है येलो। जो आप सब्जियां हैं वो आप अपनी मनपसंद भी ले सकते हैं। ये देखिए, अब ये थोड़ी सी हमने इसमें गाजर भी डालनी है। ये देखिए, इसके बाद डालनी है हमने रेड वाली शिमला मिर्च, फिर डालना है हमने थोड़ा सा ऑनियन, फिर डालने हैं आपने कॉर्न, और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें पनीर के टुकड़े छोटे छोटे। अब हमने डालना है इसमें ऑरेगानो। ऑरेगानो डालने में कंजूसी मत कीजिएगा, बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। फिर डालेंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत थोड़ा सा हमने नमक भी डाल देना है हल्का सा। सबसे लास्ट में जो हम डालेंगे वो डालेंगे चीज़। ये देखिए, चीज़ हमने अच्छे से सारे में फैला ली है। चीज़ डालने में कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है और ये पिज़्ज़ा आपको जो नॉर्मली हम पिज़्ज़ा खाते हैं ना मैदे से बना हुआ, उससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आने वाला है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब 2 मिनट के लिए जो है हमने इसको कवर कर देना है और उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा जो है रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ये इजली नहीं निकलेगा, ये बहुत ही इजली निकल जाता है। ये देखिए, बिल्कुल आराम से। और ये देखिए, ये हमने प्लेट में इसको शिफ्ट कर लिया। ये देखिए, और कितना यमी लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम बाहर से पिज़्ज़ा खाते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसमें कि ये आपका हेल्दी भी है और आपका टेस्टी भी है। आप जो मैदे वाला पिज़्ज़ा खाते हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान देता है, बट ये आपको कहीं भी नुकसान नहीं देगा और बच्चे भी इसको खुश होके खाएंगे। ये देखिए, अब हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी जो है कटिंग कर रहे हैं। हमेशा की तरह अब मेरे ब्रदर ही इसको टेस्ट करके बताएंगे, तो लीजिए टेस्ट कीजिए। यार, चेक करके देखता हूँ मैं कि कैसा बना है। बाजारी पिज़्ज़ा है नहीं, शक्ल से तो बाजारी लग रहा है फ्रेंड्स। यार टेस्ट में तो बहुत यार बढ़िया है यार, यार थोड़ा सा अलग है पर बड़ा ही यूनिक सा लग रहा है, बाहर वाला पिज़्ज़ा शायद। फ्रेंड्स, आप भी खाना चाहते हैं ऐसा हेल्दी पिज़्ज़ा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कर दें, क्योंकि यूनिक पिज़्ज़ा है, पहले कभी तो नहीं देखा यार ऐसा। बाय बाय।